ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि इस नवरात्रि में, नवरात्रि 21 तारीख से शुरू हो रही है, तो 21 तारीख से 29 तारीख के बीच हम आपको 6 तरह की चीज़ें बताएंगे। उन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप लेके आ जाते हैं तो आपके सारी धन की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं लाइफ की, वो खत्म हो जाएगी। जैसे शंख पुष्पी का जड़ है, तो नवरात्रि में किसी भी शुभ मुहूर्त में आप शंख पुष्पी का जड़ लेकर आइए। इस जड़ को चांदी के डब्बे में रखकर घर की तिजोरी या अलमारी में रख दीजिए। कभी भी जिंदगी में आपको पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। उसके बाद है धतूरा। हालांकि धतूरा भगवान शिव को बहुत प्रिय है, पर यह माँ काली की पूजा में भी काम आता है। नवरात्रि में धतूरे की जड़ को शुभ मुहूर्त में घर पर स्थापित करके माँ महाकाली का बीज मंत्र क्रिम का जाप कीजिए। क्रिम आपकी जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। उसका जो बरगद का पत्ता होता है, बड़ का पत्ता तोड़िए और उस पर ताजी हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर के पूजा स्थल पर रख दीजिए। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे और ये मेरे ख्याल से सबसे आसान काम है। उसके बाद है हरसिंगार। किसी भी शुभ मुहूर्त में हर श्रृंगार के वांदे को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दीजिए। हमेशा के लिए धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद एक केला का पेड़। शुभ मुहूर्त में केले के पौधे को घर पे लाइए, इसे भली प्रकार गमले में लगाकर इसकी जड़ में 9 दिन तक जल चढ़ाइए। गुरुवार को पूजा करके जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाएं, इससे धन की जो आवक है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद तुलसी का पेड़ है। तुलसी के पेड़ को आप इस नवरात्रि के दौरान किसी भी शुभ मुहूर्त में लाइए, सुबह शाम दीपक जलाइए और सुबह रोज आप उसमें जल दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। धन तथा परिवार संबंधी जितने भी समस्याएं हैं उसका निराकरण हो जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।